जिनका कम स्कोर हुआ ना, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा कम स्कोर हुआ, मैं पता नहीं क्या हो गया। यार जिनके टॉपर है ना, ये पहले भी घिसर पिसर के होते हैं, गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जो पहली बार में कोई एग्जाम क्लियर कर देते हैं, सिलेक्शन ले जाते हैं। अगर आपको ये हो रहा है कि मन में सर मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरे से ग्रुप डी नहीं हुआ, ऐसे हैं जो 12वीं में फैल के आईपीएस बने हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे महान अब्दुल कलाम जी बने हैं जिनकी 12वीं में फिजिक्स मेरी थी। तो ये कोई एक पेपर किसी का जीवन निर्धारण नहीं कर सकता। नेताओं को देख लेना, कितने चुनाव हारते हैं फिर भी खड़े रहते हैं, 5-5 साल बाद चुनाव आते हैं उनके तो, और फिर हमारा तो चुनाव 6 महीने में साल भर में आते रहते हैं, या सेंटर के एग्जाम बहुत होते रहते हैं। तो जब नेताओं के हम नेताओं को वैसे ही गाली देते हैं, नेताओं के पास सीखने को बहुत धैर्य है उनके पास, जो हमारे पास नहीं है। वो बहुत बार हारते रहते हैं। अब्राहम लिंकन को देखो, और हम एक ग्रुप डी का पेपर, सर मेरा पेपर कम स्कोर हुआ, सर मैं तो मर जाऊंगा, सर मेरे पास कुछ नहीं होगा। एक सिचुएशन है ब्रेन की कि सर आज मुझे बहुत मैं मनोवैज्ञानिक तरीके से टूट चुका हूं, थोड़ा सा खेलिए कूदिए दोस्तों के साथ, मस्ती कीजिए, 2-4 दिन बाद अपने आप एक नए ट्रैक पे शुरू हो जाओगे, ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कहीं सोचो कि वो हो गया। और ग्रुप डी वाले जिन बच्चों का हुआ है बहुत बहुत बधाई, अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर करना, और फिर कट ऑफ पर अगर आप चाहो तो वीडियो बना भी देंगे, लेकिन कट ऑफ पर वीडियो बनाने का मकसद नहीं है, बस एक मकसद है कि जिन बच्चों का कम स्कोर हुआ है उनको थोड़ा सा हौसला देना। याद रखना, जब सक्सेस हो जाओगे तो आपकी पीठ थपथपाने बहुत भीड़ आएगी, लेकिन जब आप असफल हो गए तो आपका सामना करना पड़ेगा आपको खुद से, विचारों से, दुनिया जाए भाड़ में। आप आईपीएस भी लग गए तब भी बोलेंगे लग गया तुक्का, कोई नहीं देश लगता है। आप कुछ भी बड़ी पोस्ट पर लग जाओगे क्या हुआ, ठीक है ना। आप एचसीएस लग गए, ये वो था जिसमें ग्रुप डी का पेपर नहीं पाया, एचसीएस लग गया, ये वर्डिंग हो जाएगी लोगों की, मतलब ये नहीं देखेंगे कि इसने ग्रुप डी के पेपर तक मेहनत नहीं की थी और अब मेहनत करके एचसीएस लग गया। ये वो जमाना है जो सफलता को हजम कभी भी नहीं करना चाहता कि सामने वाला कैसे सफल हो गया। तो अपनी सफलता को खुद ही हजम कीजिए और अपनी असफलता को खुद ही हजम कीजिए कि हाँ मेरे से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं फिर लड़ूंगा, मैं फिर डटूंगा और फिर मैदान जंग में खड़ूंगा और फिर मैं सामना करूंगा उन चीजों का जो और लोगों ने की थी, जो इस फील्ड में आए थे, जो इस फील्ड में असफल हुए थे, जिनका कभी कुछ नहीं हुआ था, जिनका हो रहा है या जिनका हुआ है। आपके आसपास देखना, गांव में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे सीनियर्स जो आज अच्छी पोस्ट पर होंगे, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई होंगी। तो उन लोगों के पास बैठना सीख जाओ, बहुत बहुत कुछ सिखा के देंगे। अपनी संगति बदलिए, जीवन बदल जाएगा, क्योंकि संगति का मतलब होता है संग संग चलना। इस तरीके से संगति का मतलब होता है संग संग चलना, उसके साथ साथ चलना, जैसा वो चल रहा है, जैसे उसके हाव भाव हैं। अगर वो चरित्र से अच्छा है तो आपका चरित्र अच्छा बन जाएगा, वो बोलेगा नहीं यार ये बहन बेटी सबकी एक जैसी होती है। अगर वो बोलेगा नहीं यार मैं मेहनत करूंगा, तो आप भी मेहनत करना सीख जाओगे। अगर वो दारू पिएगा तो शाम को आप भी दारू पीना सीख जाओगे। अगर वो कुछ और गुंडागर्दी में है तो आपके मन में भी आएगा कि नहीं गुंडाबाजी हवाबाजी बहुत अच्छी होती है। तो इन चीजों से दूर रह के अपनी संगति को बदलिए। और आजकल संगति सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पर ऐसे ही लोगों को फॉलो कीजिए जो आपके पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करते हो, जो आपके अंदर, चाहे वो कोई भी हो, आचार्य प्रशांत जी हो, चाहे वो संदीप महेश्वरी हो, कोई भी हो जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, उन लोगों को फॉलो कीजिए और अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी संगति में रहिए, गाँव में भी अच्छे दोस्त बनाइए अगर सफल होना है तो। क्योंकि पहले सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत करनी पड़ती थी, आजकल सफल होने के लिए संगति का भी बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि यूपीएससी में जो ग्रुप बनता है दोस्तों का, वो बहुत आगे जाके कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। जब 2-4 का हो जाता है, कुछ का नहीं होता, तो वो हौसला बनाए रखते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। और जो दोस्त रह जाता है वो यूपीएससी ना तो पीसीएस वरना कोई स्टेट एग्जाम में एक अच्छी जॉब ले लेता है। तो ग्रुप बनाइए दोस्तों का, गैंगस्टर नहीं, ग्रुप मतलब 5-7 अच्छे दोस्त जो हमेशा साथ रहें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, और कोई नहीं ले मरेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। हारना नहीं है कि सर मेरा स्कोर कम हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, नहीं, हारना नहीं है, क्योंकि हम हमारे माँ बाप की फसल हैं जो बहुत 20-25 सालों के संघर्ष के बाद पककर तैयार हुई है, ठीक है ना। किसी अरे गहरे के विचारों से प्रभावित होकर अपनी जिंदगी के गलत डिसीजन मत ले लेना, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, जय हिंद, जय भारत।